दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि यल्ला लूडो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मोड में खेलने के लिए रूम कोड क्रिएट कैसे करेंगे, अपने दोस्तों को ज्वाइन कैसे करेंगे, गेम को स्टार्ट कैसे करेंगे। बोले तो यल्ला लूडो ऑनलाइन मोड में अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरा प्रोसेस समझ सके आसान भाषा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्त आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में यल्ला लूडो को ओपन करेंगे, अगर ना हो तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लूडो खेलने के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी खेल सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी खेल सकते हैं, टीम बना के भी खेल सकते हैं, टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। आप जिस तरीके का खेलना चाहते हैं गेम उस तरीके का यहाँ पे अवेलेबल है, आप खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लूडो किंग ऑनलाइन मोड में अपने दोस्तों के साथ कैसे खेले रूम कोड क्रिएट करके। तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है प्राइवेट एंड लोकल का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक प्राइवेट का है और दूसरा है लोकल का। तो लोकल वाला ऑप्शन में अपने दोस्तों के साथ एक साथ बैठ के खेलेंगे, जैसे कि पहले से लूडो खेला हुआ जाता था, जैसे एक साथ बैठ के उस तरीके से आप खेल सकते हैं। तो चलिए ये बता देते हैं, इसमें आपको दो प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, तीन प्लेयर का, चार प्लेयर का। उसके नीचे प्लेयर का नाम एडिट कर सकते, प्लेयर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आप इसको रीनेम कर सकते। उसके बाद स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है तो कि देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है, आप इसको खेल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एग्जिट लेते हैं और बताना चाहेंगे कि अगर आपका दोस्त कहीं दूर बैठा हुआ है उसके साथ ऑनलाइन मोड में खेलना चाहते तो कैसे खेलेंगे, और इस बार प्राइवेट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और दोस्तों अपने गेम में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर लाना चाहते हैं, मैजिक देखना चाहते हैं तो सिंपली से इसको टिक कर देंगे और नीचे में क्रिएट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते ही रूम कोड क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका दोस्त रूम कोड क्रिएट करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको ज्वाइन होना है, तो नीचे में ज्वाइन का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने दोस्त से रूम कोड पूछ के यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे सर्च वाले बटन पे क्लिक करके। और अगर आपको रूम कोड खुद से क्रिएट करना है तो सिंपली से क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करते ही रूम कोड क्रिएट हो जाएगा। रूम कोड क्रिएट हो चुका है और नीचे में रूम कोड का नंबर आ चुका है 15474767004। तो ये नंबर अपने दोस्तों को बताना है और बोलना है कि जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस नंबर को इंटर करके। तो दोस्तों अपना दूसरा मोबाइल लेते हैं और उसमें इस नंबर को इंटर करके ज्वाइन हो जाते हैं। तो अपने दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो चुके हैं जो कि यहाँ पे गेस्ट 1 लिख के आ चुका है। अब स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन मोड में रूम कोड क्रिएट करके अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। खेलते समय आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो, इमोजी नहीं भेज पा रहे हैं, चैटिंग नहीं कर पा रहे या फिर वॉइस चैट नहीं कर पा रहे, बोले तो बातें करते हुए आप नहीं खेल पा रहे, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा दिक्कत हो रहा है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको खेलने में किसी भी तरीके का बाधा ना आए। तो अगर आप सही तरीके से खेल पा रहे हैं तो आप दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।